नमस्कार दोस्तों, माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। RACET आई लर्नर असेसमेंट के वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें आज हमारा असेसमेंट नंबर 13, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए ए स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग को चुनना, F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना दोनों से, और डी जो है F5 की को दबाना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फील, इफेक्ट बदलना, स्लाइड शो के पीछे पिक्चर या क्लिप पार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, दिए गए सभी। तो आपका इसका सही आंसर है दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, आउटलाइन व्यू, स्लाइड लेआउट विकल्प, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, डी जो है स्लाइड ऑप्शन एंड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए चित्र जो है आपको क्या दर्शा रहा है, टेक्स्ट शो, पिक्चर शो, स्लाइड शो, चार्ट शो। तो आपका इसका सही आंसर है वो है स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए, अंडू बटन दबाना चाहिए, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कीजिए, इनमें से कोई नहीं, डी है कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कीजिए और अंडू बटन दबाइए दोनों। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कीजिए और अंडू बटन दबाइए, दोनों से आप कोई भी फाइल को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किस के उपयोग हेतु यूज किया जाता है, जानकारियों, डाटा, सूचना को चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु, स्लाइड को डिलीट करने हेतु, स्लाइड को सेव करने हेतु, न्यू स्लाइड बनाने हेतु। तो आपका इसका सही आंसर है वो है अ, जानकारियाँ, डाटा, सूचना को चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है, फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें, पावर पॉइंट के शीर्ष पर दाहिने सबसे ऊपर छोर में उपलब्ध क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करें, तीसरा है शॉर्ट की कंट्रोल प्लस W का प्रयोग करें और लास्ट है डी, उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल टाइप कर होता है, PPT, X, डॉक्यूमेंट और XXLS, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है वो होता है PPT X। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोशन पाथ क्या है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है, एनिमेशन, इंटरेस्ट, इफेक्ट करने का एक प्रकार है, उपयोग सभी। तो आपका इसका सही आंसर है बी, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बुक, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल से, एडिट से, इंसर्ट से, व्यू से। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, इंसर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है, पहला है जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, बी है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है वो चेंज हो जाती है, सी स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है वो चेंज नहीं होती है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एनिमेशन टैब में चार कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं, प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग और कलर, फॉन्ट, स्टाइल, डिज़ाइन दोनों, दूसरा है कलर, फॉन्ट, स्टाइल, डिज़ाइन, तीसरा है प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी,
प्रीव्यू एनिमेशन एडवांस एनिमेशन टाइमिंग। नेक्स्ट सेशन आता है एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है कस्टम ट्रांजिशन स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड एनिमेशन कस्टम एनिमेशन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिखाए गए टेप में कौन सा टेप इस्तेमाल होता है। ए है रिव्यू टेप, बी है इंसर्ट मेन्यू या टेप, सी है होम टेप और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है इंसर्ट मेन्यू ऑब्लिक टेप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके धन्यवाद।